सांप्रदायिक हिंसा से उभरते हरियाणा में रविवार को आयोजित महापंचायत के बाद एक बार फिर तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार महापंचायत में कुछ वक्ताओं ने सबक सिखाने जैसी बातें कही और एक खास समुदाय के लोगों को हथियार दिए जाने की मांग की। वक्ताओं ने ये भी कहा कि समुदाय विशेष बहुल जिले नूह को डिसॉल्व किया जाना चाहिए। ये भाषण तब दिए गए जब पुलिस और प्रशासन ने महापंचायत की इजाजत इसी शर्त पर दी थी कि इसमें किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं सुनाई देनी चाहिए। हरियाणा के पलवल में हुई इस महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने प्रमुखता से हिस्सा लिया था।